जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में जो सीईटी का एग्जाम हुआ था 5 नवंबर और 6 नवंबर को चार शिफ्टों में आपका कंडक्ट किया गया था और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से आपका जो है सीईटी का एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे कि सर जो है ना कैंडिडेट कॉपी को वहां पर जमा करवा लिया, तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि मैंने कौन सा आंसर टिक किया था। तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा ओएमआर शीट कैसे आपको डाउनलोड करनी है, आंसर की आपकी कब तक आएगी, स्कोर कार्ड आपका कैसे मिलेगा, कितने नंबर वालों को मिलेगा। हिसार में जो आज ज्ञापन सौंपा है सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने, तो उसका मैं आपको बताऊंगा अपडेट क्या है और स्टेट के बारे में दो चार बातें करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट है मेरे चैनल पर नया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। चलिए शुरू करते हैं ओएमआर सीट। देखो, जिन बच्चों ने अपना जो क्वेश्चन बुकलेट होती है ना उसके ऊपर ये टिक नहीं किया था कि भाई मैंने ये आंसर वहां पर जो है ना ये गोड़ा वहां पर भरा है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट कॉपी आपकी वहीं पर एग्जामिनर ने जमा करवा ली थी, तो उसका यह सोल्यूशन है जब भी आपके आंसर की जो है ना एचएसएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी ना, इसी जो महीने नवंबर के लास्ट तक आपकी जो है वो आंसर की आ जाएगी। और इसका यह बेनिफिट रहेगा जब आपकी आंसर की आएगी ना उसके साथ ओएमआर सीट का भी आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। तो क्योंकि अभी ओएमआर सीट को स्कैन करने के बाद आपका जो है ना साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, लॉगिन आईडी आप डालकर वहां से आप चेक कर पाओगे कि मेरी ओएमआर शीट कौन सी है और आप मैंने कौन सा घोड़ा वहां पर भरा है, आप यहां से चेक कर पाओगे। तो ये थी बात ओएमआर शीट और आंसर की, ठीक है, ये दो बात। स्कोर कार्ड देखो, यहाँ पर स्कोर कार्ड से जो सीईटी जो बच्चे है ना, जैसे जनरल कैटेगरी का जो हम बात करें तो 50% था और एससी कैटेगरी का 40% क्वालिफाइंग था, तो चाहे बच्चों का इतने नंबर आए चाहे ना आए, कहने का मतलब ये है अगर बच्चों के 40% से ऐसे कैटेगरी से भी कम आते, मान लीजिए 20% आए, वैसे एग्जांपल मान रहा हूं मैं 20% आ गए, तो भी आपका स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब है आपके जितने भी नंबर बनते हैं ना उन नंबरों का स्कोर कार्ड आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, एक बात तो ये थी। अब बात करते हैं हिसार में जो आज ज्ञापन सौंपा है ना डीसी को, बड़े बड़े यूट्यूबर थे जैसे प्रवीण उड़ान जी हैं अपने, जैसे जीके भाई बिके जो भी हैं, और अपने प्रदीप सर हैं, ठीक है, अपने सुशील क्या नाम उसका सुनील बोरा जी हैं, उन सभी ने जो मिलकर जो है ना आईसीएस कोचिंग सेंटर वाले जो है ना परिमल सर, उन्होंने भी सभी यूट्यूबर जितने भी बड़े बड़े टीचर है पढ़ाते हैं जो, सभी ने मिलकर जो है ना हिसार में जो है वहां पर डीसी को ज्ञापन सौंपा था और सोनीपत में भी सौंपा है। तो सीईटी क्वालिफाइंग नेचर को लेकर काफी चर्चाएं चली हुई हैं, लेकिन इसके बारे में सटीक जो विश्लेषण है वो हम कर नहीं पा रहे हैं बच्चों। ये नहीं कहा जा सकता कि आपका सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होगा या नहीं होगा, कोर्ट भी इसके पक्ष में है और सरकार को जब इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, आज जो आपने प्रोटेस्ट किया वहां पर जो ज्ञापन सौंपा है ना डीसी को हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट से वहां तक गए हो आप, तो उसने भी जो है ना ये बात आपकी जो है ना सीएम साहब तक पहुंच गई आज, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हम कर पा रहे कि सीईटी क्वालिफाइंग का होगा या नहीं होगा, क्योंकि 50-50 चांस बढ़ रहे हैं आपके, कोर्ट भी इसके पक्ष में है, जो भी कहता है वो इसी के पक्ष में है कि भाई सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। अब समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कहना चाह रही है और क्या करना चाह रही है। अब सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया, एग्जांपल लेकर चलो आप, जनरल कैटेगरी 50% मार्क्स है, ठीक है, 40% मार्क्स ले लिए एससी कैटेगरी के, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स दे, ये इसका पेपर लेने का मतलब क्या था जब इन्होंने ऐसे जो आंकड़े रखे यहाँ पर 50%, तो इससे अच्छा तो ये सीईटी ना लेते, सीधा जो है ना एग्जाम ले लेते, एग्जाम लेने के बाद जैसे पहले एग्जाम होते थे, एग्जाम लेते जिसके आईएएस स्कोर होते उसको ले लेते। जब ये यहाँ पर रख दिया है ये क्वालिफाइंग ये रख दिया कि भाई इतने मिनिमम नंबर आने चाहिए, तो इन बच्चों का क्या कसूर है भाई, इनको वहां पर सिलेक्शन आगे जो पेपर लिया जाएगा उसमें क्यों नहीं बैठने दिया जाएगा, दिक्कत यहीं पर हो रही है। कह रही है चार गुना बुलाएंगी, चार गुना का मतलब देखो क्या है, समझो बात को, अगर मान लिया कोई बच्चा यहाँ पर मान के चलो 80 नंबर आ गए उसके, ठीक है, 95 नंबर, 95 जो थे ना क्वेश्चन थे आपके 95 नंबर का, मान लीजिए उसमें से आपके 80 आ गए, अब किसी बच्चे के 79 आ रहे हैं, इसका क्या कसूर है भाई, ये नहीं बैठेगा। अब मान के चलो एक्साइज इंस्पेक्टर में आपकी वैकेंसी आ गई 40, इसका अगर वो चार गुना बुलाते हैं तो 160 बच्चों को बुलाएंगे चार गुना में अगर 160 बच्चे बुला लिए तो आपको पता है 90% वाले बच्चे भी बहुत है यहाँ पर, हजारों में तो ये मिल जाएंगे। अब इनका नंबर कहाँ जाएगा भाई 80 वालों का, अगर 90 नंबर से ऊपर वाले भी हैं तो 89 वाले का क्या कसूर है भाई, किसने क्या गुना कर दिया, तो इसका मतलब जो 90% वाले बच्चे वो बहुत सारे हैं। तो अगर वैकेंसी आपकी कितनी है, मुश्किल से मान के चलो आप कल रख वाली वैकेंसी है, कल रख वाली भर्ती में 2800-2500 कुछ थी, तो इधर अदरवाइज जितनी भी जो ग्रेजुएशन लेवल की है ना उनमें वैकेंसी है कितनी, सारी की सारी किसी में 50 है, किसी में 300 है, किसी में 200 है, अगर ऐसे बुलाएंगे चार गुना बुलाएंगे तो ये तो बस 4 × 8 800 और हजारों में बच्चों ने ये जो है
मान के चलो 80% भी आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। बताओ अब यहाँ पर फाइट करेंगे तो ये ऊपर ऊपर वाले बच्चे ही इनका बेनिफिट उठा लेंगे, इनमें से भी सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए 90% बच्चे हैं, हजारों बच्चे आ गए, मान लीजिए आप मान के चलो 10,000 बच्चे हैं जिनके 80% स्कोर है, 80+ मान के चलो आप। वैकेंसी आई एक्साइज इंस्पेक्टर की, 40 पोस्ट है, 4 गुना बुला लिया 160। अब ये जो यहाँ पर देखो आप 80+ वाले कितने हैं, 10,000 है, इनमें से आप 160 निकाल दो, जो बाकी बच गए उनका क्या करेंगे? अगला कोई एग्जाम होगा उसमें भी फाइट करेंगे। इसका मतलब ये 90% वाले ही घूमते रहेंगे ऊपर के ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है ना, जो SSSC द्वारा जो CET लिया गया है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता जा रहा है। लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लगातार वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं। अब ये नहीं पता इसमें CET में करेंगे क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट में केस कर रखा है, आपका ये आंसर की आ जाएगी, यहाँ पर आप मैच कर लेना, कुछ नहीं है, इलेक्शन तक आपका जो है ऐसे लटका देंगे, कोई आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। CET को लेकर इतना बड़ा मुद्दा छेड़ रखा है, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर CET को लेकर इतना बड़ा मुद्दा है तो आप सोच कर देखो, अगर कोई वैकेंसी आ जाती है उस पर कितना बड़ा बवाल मचेगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है कि समझ में ये नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, साधारण सी समझने की बात है, जब इन्होंने जनरल कैटेगरी का 50% और 40 का SC का ले लिया है क्वालिफाइंग का, तो क्यों नहीं इस क्वालिफाइंग करते कि भाई इतने परसेंट के बच्चे हैं जिनका भी इतना स्कोर आ रहा है ना, सारे के सारे एग्जाम में बैठो भाई, बताओ उसमें क्या दिक्कत है। 8 से 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 8-9 लाख इनमें से कितने बच्चे होंगे जिनके इतने नंबर आ रहे हैं, उनमें से आधे तो वैसे ही निकल जाएंगे जिनके नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो दिक्कत आ गई। अगर जो है ना, मान के चलो 8 लाख अगर बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, 9 लाख बच्चे बैठे हैं, उनमें से जरूरी थोड़ा है सबके 50% आए होंगे, आधे तो ऐसे होंगे जिन्हें वैसे अप्लाई कर दिया हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ये जो क्रीम ही तो छाट रखी है, 8 लाख मान के चलो, 9 लाख मान लेते हैं हम, 6 लाख जो मान लीजिए 6 लाख ने कंप्लीट, ये जो है ना इसमें आ गए 6 लाख, बस क्या दिक्कत है, 6 लाख बच्चे को फाइट करवाओ, ये क्रीम है हमारी, इन बच्चों का क्या कसूर है जिनके 40% और 50% आ रही। ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना 4 गुना बुलाएंगे, 4 गुना में अगर वैकेंसी आती है तो ये 90+ 80+ वाले बहुत हैं। तो ऐसे ही जो है ना लगातार मुद्दा छिड़ा हुआ है, समझ में ये नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। तो अपना धैर्य बनाए रखें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना अपनी रेगुलर तैयारी करते रहे, CET होगा एग्जाम, क्वालिफाइंग होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, टेंशन नहीं लेनी। तो अपना जो है ना रेगुलर तैयारी करते रहे, ये अफवाहें लगातार उड़ाते रहेंगे, कभी कह देंगे CET क्वालिफाइंग होगा, कभी कह देते नहीं होगा, कभी सरकार का रुख कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, तो जो है ना लगातार बच्चे ऐसे बेचारे परेशान हो गए हैं। तो मैं ये कहूंगा, मेरी राय ये है CET क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, 50% पास वाला बच्चा जनरल कैटेगरी का, 40% SC कैटेगरी का, सबको मौका मिलना चाहिए हर भर्ती में, अदरवाइज ये CET क्वालिफाइंग